यह तीन दिवसीय भजन जगड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास, डीजे साउंड जनूथर से, और आपके सामने कैमरा चला रहा है हमारा छोटा भाई ललित शर्मा जनूथर से। ढोलक पर संगति कर रहे मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खंदौली आगरा से, पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे बड़े भैया वीरेंद्र देसवाल जी रोनीदा भदीरा से, और झींगा की मीठी मीठी झनकार दे रहे पंडित घनश्याम रूपा से, और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मात्र शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब, ऐसा राम राम तो ढंग से ले लियो, अब तो दूसरो दिन आए चाहू पी रहे पर राम राम ना ले रही। अब देखिए कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं, और किसी कवि ने लिखा और कह रहा भैया कैसे, फूस की आग भुजे जल से छान गिरे थूनी से डटे, ये आसमां गिरे तो डटे कहो कैसे, मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, अरे और लिखी तो सब ही मिटे, बाबा या विधि की लिखी मिटे कहो। एक आत्मा रूपी पत्नी और उस परमात्मा रूपी पति से वार्ता कर रही है और कह रही भैया कैसे, क्या और डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, क्या कह रही है वो आत्मा रूपी पत्नी, और डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, और मेरे और मेरे अरमा और पढ़े के बाबा पढ़े रह गए, फूलों से डोली सजा
भैया कहा क्या? और 1 लाख रुपए का पुरस्कार हमीर सिंह जी गोदावरी से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा मेरी फूलों से डोली, 50 रुपए का पुरस्कार। नाम बता दो सर। नेम सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हो मेरी फूलों से डोली सजाई गई, और 51 रुपए का पुरस्कार राम बाबू जी पला से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार रमेश डागर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हो मेरी फूलों से डोली सजाई गई, और बाबा एक अनोखी, हाय एक अनोखी चुनरिया चुनरिया उड़ाई गई, गई। और कहा 1 लाख रुपए का पुरस्कार योगिंदर सिंह बाबूजी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, और जो कमाया था धन मैंने कपट पाप से, क्या हाय जो कमाया था धन मैंने कपट पाप से, और वो खजाने हाय पचास रुपए का पुरस्कार उत्कर्ष फौजदार उनकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो खजाने, हाँ वो खजाने घड़े के घड़े रह गए, डोली लेके पिया द्वार पर आ गए। और कहा क्या उनके आते ही बाबूलाल जी बसैया कला उनकी तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा मेगाराम भगत जी उनकी तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, और हो बंद हो गई, हाँ बंद हो गई ये धड़कन सभी नारियां, और हाय दो दो बातें मैं उनसे कर ना सकी। क्या कह रही है वो आत्मा रूपी पत्नी, ए दो दो बातें मैं उनसे कर ना सकी, क्यों हो मुंह पे ताले हाय। क्या कहा ए मुंह पे ताले, हाँ मुंह पे ताले लगे के लगे रह गए, डोली आती है मैया तारा
अपने कुमार रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। रानी तारा बियावान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, कह रही है कि जिसदम जली कुमार की काया, जिसदम जली कुमार की काया, और ये दिल माता का रोया है। अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है, कैसे कर्म किए जन मैंने। रानी तारा सोच रही है कैसे कर्म किए जन मैंने, जब सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो अगारी। आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है, लेकिन रानी तारा की हालत कैसी है भैया, कहा क्या, कहा अब ले नंगे बदन और घूम रही तारा और ना कोई लाया सहारो है, और ले अंतिम आस, ए अंतिम आस टूट गई मेरी, समित गया वंश हमारो है। बच्चे की ममता क्या होती है,